नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। दिल्ली सेवा बिल 102 के विरुद्ध 131 मतों से राज्यसभा में पारित हो गया है। मोदी सरकार को उम्मीद से 10 वोट अधिक तो विपक्ष को अपने अनुमान से 7 वोट कम मिलने की बात सामने आ रही है। इसी दौरान एक खास बात यह हुई कि जनता दल यूनाइटेड के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया और पार्टी के वहीप से बच गए। ऐसे में कहा जा रहा है कि हरिवंश को मोदी सरकार ने दुविधा की स्थिति से साफ साफ बचा लिया है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। वही सुरक्षा के मामले में भारत का स्थान औसत से बेहतर है। हालांकि भारत पड़ोसी देशों भूटान, बांग्लादेश और यहां तक कि नेपाल से पीछे है। वैश्विक गैर लाभकारी संगठन इंटरनेट सोसाइटी द्वारा मंगलवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31वीं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 11 गोल्ड, 5 रजत और 10 कांस्य पदक जीतने और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के लिए भारतीय एथलीटों की सराहना की है। पीएम मोदी ने इस उपलब्धि के लिए खेल में भाग लेने वाले एथलीटों, परिवारों और कोचों को बधाई भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों का यह शानदार प्रदर्शन उनके अटूट समर्पण का प्रमाण है। व्हाट्सएप यूजर्स के एक्सपीरियंस के बेहतर बनाने के लिए नए नए फीचर ला रहा है। इसी कड़ी में अब कंपनी ने एक तगड़ा फीचर रोल आउट किया है। इस फीचर के जरिए यूजर वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इस फीचर को फेसबुक पर इंट्रोड्यूस किया है। दिल्ली सेवा बिल के राज्यसभा से पास होने के एक दिन के बाद ही अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रिमंडल में आतिशी मार लेना को अब सर्विस और विजिलेंस विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी है। अभी तक यह जिम्मेदारी सौरभ भारद्वाज के पास थी। बता दें कि इस बदलाव के साथ ही अतिशी के पास कई विभाग हो गए। अतिशी पहले से ही वित्त, रेवेन्यू, एजुकेशन संभाल रही थी। उनके पास अब 14 डिपार्टमेंट हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सेवा बिल के पास होने के महज 24 घंटे के बाद ही यह बदलाव देखा गया है। भारतीय स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 इसी महीने अपना मिशन पूरा करते हुए चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए 10 मिनट का वह समय सबसे अहम बताया जा रहा है, जिस पर इस मिशन का पूरा दारोमदार है। अगर इन 10 मिनटों के दौरान कोई गड़बड़ी हुई तो पूरा मिशन फेल हो सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग की तैयारी अंतिम चरण में है। ऐसी संभावना है कि अब तक जैसे चंद्रयान 3 ने अपने सारे मिशन सफलता से पूरे किए हैं, वह निर्धारित समय पर सॉफ्ट लैंडिंग भी पूरी करेगा। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि मंगल ग्रह काफी तेजी से घूम रहा है। परिणाम स्वरूप यहां दिन का समय कुछ कम हो गया है। इसकी जानकारी पिछले साल दिसंबर में रिटायर हुए नासा के इनसाइट मार्स लैंडर के डेटा से हुई है। लैंडर ने मार्स ग्रह के घूमने और इसके हिलने के बारे में नई जानकारी दी। एक रिपोर्ट के अनुसार इनसाइट मार्स लैंडर इस ग्रह के रोटेशन एंड इंटीरियर स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट का अध्ययन कर रहे थे। एक के बाद एक फिल्म इंडस्ट्री से दुखद खबर सामने आ रही है। नितिन देसाई की मौत के बाद अब हाल ही में खबर आई है कि मंगलवार को मशहूर डायरेक्टर सिद्दकी का निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को सिद्दकी को दिल का दौरा पड़ने के बाद कोची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी और फिर मंगलवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि 1992 में जब राम जन्मभूमि आंदोलन जोर पकड़ रहा था, तब बीजेपी नेता विजय राजे सिंधिया ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव को आश्वासन दिया था कि बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होगा और उन्होंने अपने मंत्रियों की सलाह के खिलाफ सिंधिया की बात पर विश्वास किया। वरिष्ठ पत्रकार निर्जा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड के विमोचन पर पवार ने यह टिप्पणी की है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय रक्षा मंत्री रहे पवार ने कहा कि वह तत्कालीन गृह मंत्री और गृह सचिव के साथ बैठक में मौजूद थे। एक आंकड़े के अनुसार वार्षिक खाद्यान्न भंडारण हानि लगभग 7,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें 1.4 करोड़ टन खाद्यान्न बर्बाद होता है। यह भी कड़वा सच है कि भारतीय खाद्य निगम भंडारण करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। निगम द्वारा ना तो गोदाम बनाने में तेजी आई है, ना ही अनाज सहेजने के लिए ही कोई पुख्ता व्यवस्था हो पाई है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए इस खबर की पुष्टि की है और संवाददाताओं से कहा है कि राज्य के भीतर पार्टी के नेता एक समानांतर मार्च करेंगे। पटोले ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण गुजरात से मेघालय तक शुरू होगा। प्रमुख कांग्रेस नेता पश्चिमी राज्य के विभिन्न हिस्सों में मार्च का नेतृत्व करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के 81 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी एक महाअभियान शुरू करने जा रही है। 21 दिनों तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत संसद में लगी गांधी जी की प्रतिमा से आज की जाएगी। गौरतलब है कि 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। वित्त वर्ष 2023 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुल 1,67,391 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक रूप से कंपनी से खुद को अलग कर लिया है। इसमें 41,818 एम्प्लॉयज रिलायंस जियो के हैं और 1,19,229 एम्प्लॉयज रिलायंस रिटेल के रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा सामने आया है।
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चीन से लगती सीमा पर पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर मोदी सरकार से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा क्या चीन बॉर्डर पर 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स से हमने अपना अधिकार खो दिया है, क्या बफर जोन भी भारत की जमीन में बने हैं, भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता के 18 राउंड पूरे होने के बाद क्या नतीजा निकला है, हमारे बहादुर जवान चीन का मुकाबला कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीन के साथ भारत का व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। आगे उन्होंने पूछा कि क्या आक्रमण करने के पैसे हम चीन को दे रहे हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है। 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होने के बाद बोर्ड की कमाई में काफी बढ़ोतरी हुई है। साल 2021-22 की बात करें तो बीसीसीआई ने सिर्फ टैक्स के रूप में 1,159 करोड़ रुपए दिए, यह 2020-21 के मुकाबले 37% अधिक है। अब विराट कोहली के नेटवर्थ की बात करें तो यह लगभग 1,000 करोड़ के आसपास है, यानी कोहली की नेटवर्थ से अधिक राशि तो बीसीसीआई ने एक साल में टैक्स के रूप में दे दी है। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बीसीसीआई के 5 साल का लेखा जोखा बताया है। भारतीय रेलवे के टिकट बुकिंग ऐप इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC ने यात्रियों को एक अलर्ट जारी कर उन्हें धोखाधड़ी वाले एंड्रॉयड मोबाइल ऐप से सावधान रहने की सलाह दी है, जो वर्तमान में यूजर्स को टारगेट कर रहा है। IRCTC ने अपने ग्राहकों को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि पूर्व ट्विटर के माध्यम से फेक ऐप के बारे में सूचित किया है। लोकसभा में बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान एक विवाद खड़ा हो गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा से बाहर जाते हुए अभद्र इशारा किया, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। स्मृति का आरोप था कि संसद में जब महिला सांसद बैठी हुई थी तब कोई इस तरह फ्लाइंग किस का इशारा करके जाए तो यह काफी अभद्र है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसे कोई बिल पेश करने को लेकर बातचीत नहीं चल रही है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि सेवा नियमों के विभिन्न प्रावधानों के तहत पिछले 3 वर्षों में 122 सरकारी अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की, हिंदुस्तान का कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया। राहुल गांधी ने इस बयान के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। अदालत की छुट्टियों को अपने वैश्विक विरासत बताते हुए एक संसदीय पैनल ने सिफारिश की है कि लंबित मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक साथ न जाकर बारी बारी से छुट्टियों पर जाएं। द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसद की अस्थायी समिति ने अपनी 133वीं रिपोर्ट में कहा लंबित मामलों को कम करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। हालांकि साथ ही एक निर्विवाद तथ्य है कि न्यायपालिका में छुट्टियां एक औपनिवेशिक विरासत है और पूरी अदालत के सामूहिक रूप से छुट्टियों पर जाने से वाद कार्यों को गहरी असुविधा होती है। देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स में मरीजों का इलाज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। क्या मरीज की आंखों की रोशनी जाने वाली है? किस मरीज के एक्सरे के मुताबिक मरीज की हालत इमरजेंसी वाली है? किस मरीज को तुरंत एडमिट करने की जरूरत है? ये ऐसे सवाल है जिनके जवाब में AI मॉडल्स बहुत मदद कर सकते हैं। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया। तुषार ने खुद ट्वीट कर खुद को हिरासत में लिए जाने का दावा किया। तुषार ने ट्वीट कर लिखा कि उन्हें सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया। उन्होंने दावा किया है कि मैं 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी मनाने के लिए घर से निकला था। मुझे गर्व है कि मेरे परदादा बापू और बाप को भी ऐतिहासिक तारीख पर ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। भारतीय जिमनास्ट दीपिका कर्माकर आज अपना 30वां जन्मदिन मना रही है। दीपिका को भारत की जिमनास्टिक में एक महान योगदानकर्ता के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने 2016 के समर ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और महिलाओं के फाइनल में 4थे स्थान पर रही। वह पहली भारतीय जिमनास्ट थी जो ओलंपिक के फाइनल में पहुंची। केरल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया है कि रेलवे के सभी जोन में ग्रुप सी पोस्ट में 2,48,895 पद खाली हैं, जबकि ग्रुप ए और बी पदों में 2,070 पद खाली। अधिसूचनाओं के अनुसार कुल 1,28,349 उम्मीदवारों को ग्रुप सी पदों के लिए पैनल में शामिल किया गया है। अधिसूचना के अनुसार लेवल एक पदों के लिए कुल 1,47,280 उम्मीदवारों को सूचीबद्ध किया गया। भारतीय रेलवे पर समूह ए सेवाओं में सीधी भर्ती मुख्य रूप से UPSC द्वारा की जाती है। अब UPSC और DOPT पर मांग रखी गई है। देश की संसद में मंगलवार को नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 पारित किया गया। लोकसभा में इसे 28 जुलाई को पारित कर दिया गया था।
अब राज्यसभा की मंजूरी के साथ प्रस्तावित कानूनों को लेकर संसदीय प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार करना है, साथ ही दंत चिकित्सा की गुणवत्ता को और बढ़ाना है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है मोहम्मद साकिर हुसैन, नौसाद अंसारी, एच के मल्होत्रा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, गलत और भ्रामक खबरों को फैलाने वाले चैनल को रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।